द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 इंडियन पेरेंट्स आ जाते हैं शादी .com पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे, मतलब सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग का ब्रॉडकास्ट का मैसेज और उसके बाद लड़की ढूंढना शुरू. सो जैसी मैंने इस उम्र की दहलीज पे कदम रखा, मेरे बाप ने बोला कि अपनी 5 फोटो दे दो. मैं समझ गया कि क्या रंगारंग कार्यक्रम है ये. तो मैंने बोला मैं ना रेडी नहीं हूँ अभी. एंड दे वर लाइक देखो अगर आज से ढूंढना शुरू करेंगे तब जाकर 1-2 सालों में तुम्हारे लिए कोई ना कोई मिलेगा. एंड आई वॉज लाइक क्या मैं बिल्डर का फ्लैट हूँ जिसका पोजेशन 1-2 साल बाद मिलेगा. बस पढ़ लिख गए ना, मुंह चलाना सीख लिया है. और फिर एक रिलेटिव का एग्जांपल आता है, देख रहे हो वो टीटू भैया 4 साल से वरमाला हाथ में लेके खड़े हुए हैं. उन्होंने भी कहा था मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, अब बन गए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, कोई नहीं डाल रहा हाथ इनके अंदर. मैं कहा काफी सही है. कह रहे बेटा अगर एक बार ना एज क्रॉस हो जाए ना, मैंने कहा तो फिर फिंगर क्रॉस करनी पड़ती है. हम लोग एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दे रहे हैं. तो मैंने कहा करो फिर बनाओ प्रोफाइल मेरी. तो मेरी प्रोफाइल बन गई एक मैट्रिमोनियल साइट्स पे. एंड यू नो द मोमेंट यू क्रिएट योर प्रोफाइल यू आर नॉट अ नेम नाउ, यू आर एन आईडी. माय आईडी 9324. इससे अच्छा नंबर मेरा एक्टिवा का है. बट अब तुम्हारी लाइफ में यही है. तो अभी क्या है उस पर ना आप देखते हो प्रोफाइल पढ़ना, ओए होए लड़कियां क्या लिखती हैं उस पर. पहली लाइन एक लड़की लिखी थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड कम फ्रेंड. आई लाइक सुन सोफा कम बेड. हस्बैंड भी फ्रेंड्स होने लगेंगे अब. एक लड़की ने लिखा माय फ्रेंड्स डिस्क्राइब मी एज अ फन लविंग गर्ल. पहली बात तो ये स्लैम बुक नहीं है, और दूसरी बात अगर मैंने बता दिया ना कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मेरी कभी शादी नहीं होगी. बता तो अभी क्या ना उस पर हमने देखा, थोड़ा देखा तो एक लड़की को ऐसे पसंद किया हमने थोड़ा सा, भाई क्लिक किया उस पर पॉपअप आ गया, कह रही पसंद आई बहू तो बहू की मुंह दिखाई कीजिए और पेड मेंबरशिप लीजिए. तो हमने कहा अच्छा ये भी करना है. तो हमने क्या किया, फोन किया, मैंने कहा बताओ. तो कह रहे हमारे पास प्लान्स हैं गोल्ड डायमंड प्लेटिनम. मैं कहा समझाइए. तो कह रहे गोल्ड में क्या होता है कि आप लड़की से मैसेज में बात कर सकते हैं, डायमंड में आप लड़की से फोन पे बात कर सकते हैं. और मैंने कहा प्लेटिनम में, कह रहे हम सुबह सुबह ट्रक भर के लड़कियां ले आते हैं और पानी के छींटे मार के दिखाते, कह रहे भाई साहब कौन सी पसंद है आपको. और पता है इंडियन पेरेंट्स ना दे फैंटेसाइज अबाउट टीचर बहू. उनको लगता है कि टीचर की जॉब नहीं होती, वो सुबह सुबह 7 बजे योगा करने जाती हैं और 12 बजे आ जाती हैं और शाम को बच्चों को भी पढ़ा लेती हैं. मतलब 1000 रुपये ट्यूशन बचाने के लिए आप टीचर शादी कर लो. तो मैं कहा ठीक है. तो उस पर क्या हुआ, एक लड़की थोड़ी सी हमें लगा कि ये लड़की ठीक ठाक लग रही है, इससे बात बात करनी चाहिए. तो क्या हुआ कि उससे थोड़ा बात बात हुआ तो हमने मिलने का प्रोग्राम बना लिया उससे. ठीक है तो आप ना कुछ भी पहन लो भाई साहब कपड़े, माँ बाप का कमेंट आते ही हैं क्या ढंग के कपड़े पहन लो, ढंग से क्या पहन के घूम रहे हो. मैंने कहा वो जिन्होंने बचपन में मुझे फ्रॉक पहनाई है शुक्र मनाओ मैं फ्रॉक करके ये नहीं कर रहा ऐसे. तो ना मैट्रिमोनियल का ना साइट का एक वो है टैगलाइन विच सेज अ ग्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद अ ग्रेट फ्रेंडशिप. मैंने रट लिया ये. यू वोंट बिलीव मैं उस लड़की से मिला हूं, उस लड़की से मैं इतना घुल मिल गया कि अब दोनों की फैमिली मिलके मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं. मतलब उसके पापा ने मेरे पापा के कंधे पकड़े कह रहे चौहान साहब जैसे ही आपका लड़का वैसे हमारा. मैंने फोन में नंबर सेव कर रखे हैं Papa 1 Papa 2 पापा जियो. कौन लोग कहते हैं कि जोड़ियां ना ऊपर से बन के आती हैं, भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं. मजाक नहीं कर रहा, मेरा भगवान से सविनय निवेदन है कि आप ऊपर से ना 2-2 के गुच्छे बना के फेंको नीचे. यहां मंदिर के बाद एक चप्पल पहनने का दूसरी नहीं मिलती या सोलमेट मिलेगा आपको यहां पे. अभी क्या हो गया फास्ट फॉरवर्ड अब 2 साल हो चुके हैं हमें लड़की देखते हुए इस पे. अभी ये हो गया कि पापा ने रजिस्टर भर रखे मोटे मोटे ऐसे प्रोफाइलों के. कभी कभी सुबह रिवाइज करते हैं ना रिवाइज, और कोई अंकल जाए चौहान साहब आप 22 की तारीख के लिए काफी लेट नहीं हो गए.
मतलब कुछ पहले दिनों पहले तो हद ही हो गई। एक हम लोग ऑटो से जा रहे थे, सामने एक लड़की जा रही थी, कह रहे वो रोहिणी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? मुझे मेरे पास प्रोफाइल है इसका, इसकी आईडी है 9375। मैं कहा बंदा अच्छा था बट बहू ढूंढने के लिए ना स्टॉकर बन गया ये। अभी क्या हुआ कि ना फिर एक दिन ना एक अंकल है, कह रहे चौहान साहब आप किसी और साइट पे जाओ, किसी और ऐप पे जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माई फादर डाउनलोडेड टिंडर। पता टिंडर क्या है? टिंडर जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ आपको। जितने भी ब्रेकअप शुदा लोग, तलाक शुदा लोग, गुमशुदा लोग, ये जितने भी नर मादा है ना, इनकी प्रजाति वहीं पाई जाती है। अगर आप किसी कपल से पूछो जो रिलेशनशिप में है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? टिंडर। द बेस्ट पार्ट इज, देखो देखो फायदा हुआ भी, देखो जो शादी.com पे हमें पड़ रहा था 1000 रुपए महीना, टिंडर में 188 में अनलिमिटेड बुफे। जब वही जहा कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों वो ना ले। अब जिनको पता नहीं टिंडर पे क्या होता है कि टिंडर पे ना रेडियस होता है कि आप कितने किलोमीटर एक लड़की के लिए भाग सकते हो। तो मेरे पापा ने 5 किलोमीटर किया। कह रहे क्या पता बगल में बच्चा और शहर में टिंडर हो रहा। तो क्या हुआ, एक मैच आया तो उस लड़की ने क्या कर रखा था, ऐसा था ना लहंगा, ऐसे लहंगा करके फोटो और गॉगल नीचे करके ऐसे फोटो ऐसे। तो पापा ने उसकी फोटो देखी और उसको मैसेज किया, क्या तुम सामने वाले किशोर गुप्ता जी की लड़की हो? 30 सेकंड में उसका प्रोफाइल डिलीट। वो लहंगा छाल के भाग गई। तो पापा ने ना फिर अभी रेडियस बढ़ाया। तो अभी क्या हुआ, उस पर ना लड़कियां भी कम नहीं है भाई साहब, वो पूछते हैं क्वेश्चंस। एक लड़की ने सीधा पूछ लिया कि हु इज योर फेवरेट सिंगर? अब पापा ये बोल गए कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। वो अपने में हो गया। उन्होंने बोल दिया नरेन चंचल एंड समटाइम अनुराधा पौड़वाल भी। कह रहे भाई ये ओल्ड स्कूल है, ये बंदा नहीं चलने वाला। एक लड़की ने ऐसे पूछ लिया, कह रहे डू यू ड्रिंक? पापा ने कहा डेली। उसने कहा विच इज योर फेवरेट ड्रिंक? पापा ने एलोवेरा जूस समटाइम्स आंवला भी। अरे भाई ये हेल्थ फ्री है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। द ट्रिकीएस्ट वन वॉज, एक लड़की ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, माउंटेन टाइप और बीच टाइप? पापा ने लिखा बोथ। उसने बोला हाउ? पापा देखो 4 साल से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, वो हो गया माउंटेन टाइप, और 4 साल से ना हमारे रिलेटिव मर भी रहे हैं, हम बहाने जा रहे हैं हर की पौड़ी, तो हो गया बीच। भाई साहब फिर एक दिन पापा सुबह 6 बजे किसी चैट कर रहे थे, चैट मेरा क्या हुआ, कह रहे टीचर है लड़की। तो उसने लिख रखा था डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 500 वर्ड्स। मैंने कहा पापा आप ही भरो इसको, नॉट माय कप ऑफ टी। तो अभी ना पापा ना इतना रिजेक्ट हो चुके ना उस पर, इतना रिजेक्ट हो चुके, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको क्लेवर होना होता है। तो अब वो पापा क्लेवर हो चुके हैं। तो अभी क्या हुआ, एक लड़की ना प्रोफाइल थी, देखा था ना वो कैरियोके नाइट पे ना, एक लड़की ने ऐसे फोटो खींचा रखी थी कैरियोके नाइट पे ऐसे, यू नो कैरियोके नाइट, बेसरो का इंडियन आइडल। मतलब अगर तुम दारू पी रहे हो तो हमारे कैरियोके नाइट चल रही है, तुम्हें दारू नहीं चढ़ेगी। ये सुर से ना इतना दूर है जैसे नोएडा से हम दिल्ली। तो भाई साहब मानोगे नहीं, तो अभी उस लड़की ने ऐसे बोला, उसने पूछ लिया कि वाई आर यू हेयर? पापा ने लिखा आई एम लुकिंग फॉर अ लीड सिंगर फॉर आवर फैमिली आरती। लड़की ने बोला ठीक है। देन एक लड़की ने बड़े तरीके से पूछा हाउ मेनी पीपल यू हैव स्लेप्ट विद? पापा ने बोला 3, बीवी और 2 बच्चे। पर अभी ना उस पर कुछ हुआ नहीं, फाइनली वी जस्ट मूव्ड ऑन। तो तुम्हें पता वो होता है ना बिचौलिए रिश्ते, रिश्ते पंडित, यू नो वो होता है ना बिचौलिए जो रिश्ते कराते हैं। तो बंदा है कह रहा चौहान साहब 2 महीने में आपके बच्चों के हाथ पीले। मैं कहा देख जॉन्डिस नहीं कराना है। कह रहा क्या बात कर रहा भाई, वो इतना इतना आइटम था ना बंदा, मुझे वो हर शनिवार हल्दीराम बुलाता था 12 से 5, मैं 16 शनिवार हल्दीराम में बैठा हूँ 12 से 5। मतलब हल्दीराम इज लाइक माय फैमिली नाउ। अगर कल के दिन मेरी शादी फिक्स हो ना तो 50 कार्ड मेरे हल्दीराम में जाएंगे, हल्दीराम के डब्बे के साथ। पर ऐसा हो गया कि हल्दीराम के बाहर ना 12 बजे मेरी पार्किंग फिक्स होती है। कह रहा भाई चौहान साहब का लड़का है, इसकी पार्किंग है ये। आप उधर अंदर जाते हो, पहले पैसे देते हो, टोकन लेते हो, फिर खाना लेते हो। मेरे लिए नहीं है ये,
वो कहता भाई साहब यू कॉन्सेंट्रेट, भाभी चाहिए मैं भाभी। मतलब जो बाहर दरबार खड़ा होता है दरबान, वो मुझे अपने चाचा वाली फीलिंग देता है। मैं लास्ट शनिवार गया तो ऐसे मैं बाहर अंदर घुस रहा था तो कह रहा एक सेकंड रुको, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा शी इज नॉट योर टाइप। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा अंदर भटूरे फोड़ के स्पा ले रही है मुंह पे वो। मैं कहा थैंक यू चाचा बचा लिया, वरना मैं भटूरी फोड़ता पूरी जिंदगी। द बेस्ट पार्ट इज पता है तुम्हारे को, ये जो बिचौली होते हैं ना ये लोग ना हमेशा एक नया फ्रेज के साथ आते तुम्हारे साथ। जैसे मुझे एक लड़की से मिलवाया, कह रहा राधा कृष्ण जी राधा कृष्ण। फिर नेक्स्ट टाइम मिलवाया, कह रहा राम सीता जी राम सीता। बाय गॉड इतनी बार राम बोला मैं राम के चलने भी लगा था ऐसे। एक बंदा टकराया, कह रहा सॉरी मैं का तथास्तु। लास्ट टाइम तो हद ही हो गई, ऐसे कर ही रहा था ऐसे। मैंने कहा हाँ ये शेराली माता और मैं शेर है, तू ये लड़के दिखाने आ रहा है अपने भगवानों के दर्शन पूरे करने आ रहा है यहाँ पे यार। तो फाइनली ना वहां पे भी कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे तो पापा मम्मी से बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला देखो तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे। मैं कहा देखो जब पसंद थी ना तब आप अमिताभ बच्चन उनके बोले थे नो मीन्स नो, अब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब उससे खुद के प्लॉट निकल आए हैं। तो मेरी बहन को बुला लिया, कह रहा देख इसकी शादी तो होने से रही, ये तो पगला है, तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे। और वैसे भी तुझे ना नई नई गाड़ियों में रोज नए नए लड़के छोड़ने आते हैं। एंड माय सिस्टर्स पापा वो ओला ड्राइवर है।